कहूँगा आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उससे गृहणियाँ तो कम से कम खुश हो ही जाएंगी, क्योंकि उपाय ही ऐसा है कि उनको उसमें लाभ होगा, गिफ्ट भी मिलेगी और महालक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। आज के दिन ये जो उपाय बता रहा हूँ इस उपाय को शुक्रवार के दिन किया जा सकता है। ये निवेदन है उन पतियों से जो चाहते हैं कि उनके काम धंधे चलते रहें और उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, तो घर की लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करेंगे तो महालक्ष्मी कृपा होगी। कैसे प्रसन्न करेंगे? प्रसन्न करने के तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप प्रसन्न कर सकते हो, परंतु एक जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उससे अगर आप प्रसन्न करेंगे तो आपको धन की जो है प्राप्ति जरूर होगी और आपका कार्य बनेगा। चांदी की पायल जिसमें छोटे छोटे एक या दो घुंघरू कम से कम जरूर लगे होने चाहिए, छनकती होनी चाहिए वो पायल, अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन आप गिफ्ट करें और पत्नी जो है उसको इस प्रकार से दोनों हाथों से स्वीकार करें और उसको लेने के बाद एक शनील का, लाल रंग की शनील का कपड़ा जो होता है उसमें उस पायल को सजा के रखें। महालक्ष्मी जी के आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर के अंदर आप महालक्ष्मी जी की तस्वीर होगी उसके सामने आप उसको रखें शनील के ऊपर इस प्रकार से दोनों पाजेपों को सामने ऐसे, और उन पाजेपों के ऊपर आप केसर से कम महालक्ष्मी जी का नाम लेते हुए कम से कम 5 बार उसको तिलक करें दोनों पाजेपों को, और 10-15 मिनट वो वहाँ पे रखी रहने दें अपने मंदिर में। उसको बाद उन पाजेपों को आप अपने पाँव में डालें और महालक्ष्मी जी का जब भी गुणगान करने बैठें, पूजा करने बैठें, तो कम से कम एक बार जैसे मंदिर में आप घर के अंदर एंट्री करते हैं या बैठने लगते हैं आसन, तो कम से कम 2 बार अपनी जो पायल है उसको छनकाएँ और महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने बैठें कि हे महालक्ष्मी आप हमारे घर में इस प्रकार से खुशियां लाते रहें। और महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से आप पूजा कर सकती हैं, मंत्र नहीं ज्ञान है तो केवल मात्र महालक्ष्मी जी से प्रार्थना कर सकती हैं, प्रार्थना भी करने में आपको कुछ है तो मात्र निहार लेना, यदि आप प्यार से किसी देवी देवता को ऐसे निहार भी लेते हैं ना, अपलक आप उनको ऐसे प्यार से निहार लेते हैं तो भी वो आपकी सारी बात समझ जाते हैं, और जब देवता को इतना मालूम है कि आप कितना प्यार से और कितनी श्रद्धा से उसकी पूजा कर रहे हैं या उससे कुछ चाह रहे हैं, जो कामना कर रहे हैं अवश्य पूरी होगी। छोटा सा साधारण सा उपाय है, एक पंथ और 2 काज, आपको गिफ्ट में पायल भी मिल जाएगी और महालक्ष्मी